हाय, दिस इज़ औरंगज़ेब खान। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो बनाने का टॉपिक मैंने चूज़ किया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कि किस तरह आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक विनिंग प्रोफाइल बना सकते हैं, एक विनिंग प्रोफाइल क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि हेड हंटर्स, हायरिंग मैनेजर्स और रिक्रूटर्स और एचआर मैनेजर्स को विद इन 2 मिनट्स देखने के बाद आपको फर्दर डेवलपमेंट फॉर द जॉब इंटरव्यू कॉल एंड फॉर द फर्दर जॉब ऑफर आपको कर सकें। सो लिंक्डइन प्रोफाइल जो है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत अहम रोल किरदार अदा करता है, और आपकी नेक्स्ट जॉब सर्च में, आपकी कैरियर मूव में, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आज मैं डिस्कस करूंगा 2 से 3 चीज़ें, और नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और किस तरह आप एक विनिंग प्रोफाइल ड्राफ्ट कर सकते हैं। आज जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लिंक्डइन प्रोफाइल में, आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे टाइम स्पेंड कीजिए, एक अच्छे कैमरे से एक अच्छी तस्वीर लीजिए, जो कि प्रॉपर एक आपकी फेस को, आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रॉपरली कवर करे, और प्रॉपर एक डिस्टेंस से ली गई तस्वीर हो, और प्रॉपर एक अच्छे बैकग्राउंड जो आपका है वो एक प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड हो, एक बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा शोक या बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, और तस्वीर प्रॉपर ड्रेसिंग करके, प्रॉपर ड्रेसअप होके एक अच्छे कैमरे से तस्वीर लीजिए, उसको प्रॉपरली क्रॉप कीजिए और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, वो मैंने बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स देखे जिनमें जो लिंक्डइन जो पिक्चर्स थी, जो लिंक्डइन प्रोफाइल्स वाली पिक्चर्स थी, वो लिंक्डइन प्रोफाइल वाली पिक्चर्स नहीं थी। वो जो आप अदर सोशल मीडिया पर वो पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक या ट्विटर या जो के इंस्टाग्राम वाली जो पिक्चर्स थी, जो शौक या स्टाइलिश, जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश जो तस्वीरें होती हैं वो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के लिए होती हैं, वो लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए नहीं होती। बहुत ज़्यादा शौक तस्वीरें लिंक्डइन प्रोफाइल पर ना लगाइए, प्रॉपर एक अच्छे डिस्टेंस से, प्रॉपर ड्रेसिंग में खींची गई तस्वीर, प्रॉपर क्रॉप और प्रॉपर बैकग्राउंड से ली गई तस्वीर जो है वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे लगाइए, और प्रॉपर एक जब आप तस्वीर लगाएं तो प्रॉपर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे प्रॉपर जो एक अच्छी एक स्माइल कीजिए, ना कि बहुत ज़्यादा स्माइलिंग पिक्चर या लॉफिंग पिक्चर हो, और ना ही बहुत ज़्यादा सीरियस एक तस्वीर हो, प्रॉपर एक तस्वीर हो जो कि हल्की सी एक स्माइल हो, जो कि प्रोफेशनल स्माइल हो, जो कि हायरिंग मैनेजर या लिंक्डइन जो जो भी एचआर मैनेजर है उसको अट्रैक्ट करे। सेकंड जो डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपकी हेडलाइन है। आपकी हेडलाइन में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, आपका आपका जो डेजिग्नेशन है वो, आप और जिस कंपनी में आप काम करते हैं ब्रीफली उसका वो उसका नाम, और आपका एक ब्रीफ एक मैसेज कि आप क्या कर सकते हैं, जो कि आपका विजन या मिशन हो, एक स्मॉल एक हेडलाइन जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आपकी जो हेडलाइन है वो बहुत प्रॉपरली ड्राफ्ट की हुई हेडलाइन होनी चाहिए, उसमें मेन 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपका किस तरह आपकी हेडलाइन को किस तरह होना चाहिए, जो कि सामने से नज़र आती है एक रिक्रूटर या हेड हंटर को, और वो फिर आपके प्रोफाइल को रिव्यू करता है। आपकी जो हेडलाइन है वो आपका एक इंट्रोडक्शन है, उसमें 3 मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने अपने डेजिग्नेशन उसमें लिखिए, और उसमें आप जिस कंपनी में काम करते हैं शॉर्टली उसका नाम लिखिए, और आप जो थर्ड जो चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है वो आप अपनी एक मिशन स्टेटमेंट या अपना एक विजन दीजिए, जो कि मैं लेटर पे बताऊंगा विद एग्जांपल। जैसे कि अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के जनरल मैनेजर हैं तो आपकी हेडलाइन फॉर एन एग्जांपल इस तरह होगी, जनरल मैनेजर
प्लांट एक्स, प्लांट नेम, और आगे आपका एक मिशन स्टेटमेंट होगा जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट एक मिशन स्टेटमेंट हो आपके डेजिग्नेशन और आपके काम से, आपकी जॉब से रिलेटेड एक जो आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, जो कि हेड हंटर देखे और आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी प्रोफाइल को जज करे और आगे मूव करे। सो आज जो मैंने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, आगे मैं डिटेल में आपको विद पिक्चर्स थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि किस तरह विद पिक्चर्स आप किस तरह की पिक्चर आप लगाएंगे, किस तरह की आपकी हेडलाइन होनी चाहिए, आगे मैं इन डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। एक जो चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अपने जो आपकी जो हेडलाइन है उसको, उसमें मैंने बहुत सारे प्रोफाइल्स देखे, वो लोगों की जो प्रोफाइल्स है प्रोफेशनल्स की, वो बहुत अच्छे तरीके से क्राफ्ट की नहीं होती। लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर हैं या मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर हैं, तो बहुत सारे लोगों मैंने देखा कि वो उसमें हेडलाइन में 10 से 15 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत एक लंबी चौड़ी हेडलाइन है, और जिसमें जैसे कि लेट्स से कि मैंने इस तरह बताया कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसने अपनी हेडलाइन में मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और इस तरह के और बहुत सारे जो हैं चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की हुई हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट हैं। आप जस्ट हेडलाइन में अपना डेजिग्नेशन लिखिए, अपनी कंपनी का शॉर्ट शॉर्ट लिखिए और अपनी मिशन स्टेटमेंट बताइए। लेटर मैं विद एग्जांपल आपको विद पिक्चर आपको दिखाऊंगा जिसके किस तरह आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को और हेडलाइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेटर वीडियोस में मैं शेयर करूंगा कि मजीद किस तरह आप अपने अच्छा एक लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि विनिंग लिंक्डइन प्रोफाइल हो वो क्राफ्ट कर सकते हैं और अपने कैरियर ग्रोथ में, नेक्स्ट जॉब सर्च में, नेक्स्ट जॉब मूवमेंट में आपको हेल्प आउट कर सकता है ये प्रोफाइल, और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी हेडलाइन को ड्राफ्ट कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी हेडलाइन को एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि जो हेडलाइन है उसमें आगे जनरल मैनेजर कंपनी एक्स, आगे आपका एक विजन या मिशन या आपकी एक्सपर्टी होनी चाहिए जो कि आपका एक मैसेज हो, जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया कि वो मैसेज कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी या डिपेंडिंग अपॉन योर डेजिग्नेशन या डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब। जैसे मैंने बताया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के जनरल मैनेजर हैं तो जनरल मैनेजर एक्स कंपनी हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू ग्रो, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू गेट मैक्सिमम एफिशिएंट ऑपरेशंस, वो इस तरह की कोई भी हेडलाइन हो सकती है, वो आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो शॉर्ट हेडलाइन होनी चाहिए, वो लंबी चौड़ी हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। और हेडलाइन परफेक्ट हेडलाइन के बाद आप आगे अपने प्रोफाइल को रिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल कुछ मैंने एग्जांपल अपने प्रोफाइल से शॉर्ट स्क्रीनशॉट्स लेके आपके लिए सिलेक्ट की हैं, अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद आप सब लोगों को जो भी नॉलेज था वो ट्रांसफ़र करना था, सो दैट आप लोग भी अपने प्रोफाइल को, लिंक्डइन प्रोफाइल को, अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल को अपडेट कर सकें और कैरियर में आगे बढ़ सकें। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल से रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको उसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ड्राफ्ट कर सकते हैं फॉर ए परफेक्ट जॉब और फॉर ए नेक्स्ट जॉब और फॉर ए नेक्स्ट मूव, कैसे आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके एक कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट जो मैसेज वीडियो के आखिर में मैं देना चाह रहा हूँ वो लिंक्डइन यूज़र्स के लिए, जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान में जो लिंक्डइन यूज़र्स हैं या लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, वो लिंक्डइन प्रोफाइल को पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि
कोई अच्छी जॉब या अच्छा नेक्स्ट कोई हेड हंटर या नेक्स्ट कोई रिक्रूटर उनसे उसी प्रोफाइल की बेस पे कांटेक्ट करे और जॉब ऑफर करे या जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कस करे। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका एक सीवी है, इसको टाइम दीजिए, इस पर प्रॉपर टाइम स्पेंड कीजिए, प्रॉपर इसको ड्राफ्ट कीजिए और जो नेक्स्ट कोई भी हेड हंटर या रिक्रूटर है या एचआर मैनेजर है वो लिंक्डइन प्रोफाइल को देख के आप उसको आपकी सीवी को देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपका लिंक्डइन जो प्रोफाइल है वो इस लेवल का होना चाहिए या इस लेवल पे आपने को ने ड्राफ्ट किया होना चाहिए कि वो लिंक्डइन प्रोफाइल को देखे और आपकी जो सीवी है उसको वो देखने की जरूरत ना हो और आपको जॉब की इंटरव्यू कॉल और आपको आगे जो प्रोसीडिंग है जॉब के लिए वो ज़रूरी हो जाए। तो बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने देखे हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते और उसमें कंप्लीट डिटेल भी नहीं होती। जो भी जो हेड हंटर या रिक्रूटर आपकी सीवी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में देखना चाह रहा होता है या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में से वो ढूंढना चाह रहा होता है वो चीज़ें नहीं होती। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रॉपरली डिज़ाइन कीजिए, उसको टाइम दीजिए और प्रॉपरली ड्राफ्ट करने के बाद उसको कंटिन्यूसली आफ्टर ए मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स उसको जो रिव्यू करते रहिए और उसको अपडेट करते रहिए और जो भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं जो भी आपकी जिस भी जॉब में आप हैं उस जॉब्स की डिटेल्स हैं उस आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं या की वर्ड्स हैं जो भी आप काम करते हैं वो आपके प्रोफाइल में होनी चाहिए। नेक्स्ट में आने वाली वीडियोस में आप लोगों को गाइड करूंगा मजीद कि आप किस तरह अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनली ड्राफ्ट कर सकते हैं और किस तरह अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद आप सब लोगों से हेल्दी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल गाइड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।